I get second. In previous class, we had completed the chapter. Today, I am starting with chapter number 16, articles. Articles का मतलब होता है a, n और the लगाना, right? A और n कैसे लगाना है, वो हम senior KG और first standard दोनों में सीख चुके हैं, right? The भी हमने last year सीखा था, but we will revise this again. A horse is running. A horse. H sound. H. तो A लगेगा. Vowels में N लगता है. Singular में. ये सारी चीजें सिर्फ singular में लगेगी. But vowels में जिनका sound vowel से start होता है, उनमें AN लगता है. और जो consonant से sound start होता है, उसमें A लगता है. A horse is running. Nikhil is eating an ice cream. Ice cream में I. Sound है I. So, N ice cream. Mr. Bora is carrying an umbrella. U. U vowel है. लेकिन A. Sound है A. N A. Umbrella. Right? So, N umbrella. Anita is driving a car. Sound है क, तो car. The car is red. ये car red है. यहाँ पे ध लगा क्योंकि उस car की बात हो रही है जो Anita drive कर रही है. तो जब भी particularly उस चीज की बात होगी तो हम article में ध भी use करेंगे. We use a and the before the nouns. A and the nouns के पहले लगता है. They are called articles. A and और the को क्या कहते हैं? Articles. We use a and n before singular nouns. A और n singular noun के पहले लगता है. We use a when the noun begins with consonant sound. Consonant sound. सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड. जैसे अ काउ क एंड अ यूनिकॉर्न. यहाँ पे वावल भले ही यू दिया है बट साउंड उसका य है, य व्यंजन है. सो अ यूनिकॉर्न. तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अ काउ अ यूनिकॉर्न. इसका प्रोनंसिएशन है यूनिकॉर्न, तो इसमें ए लगेगा. वी यूज एन व्हेन द नाउन बिगिंस विद अ वावल साउंड. वावल साउंड भले ही वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो लेकिन अगर साउंड उसका वावल का आ रहा है तो हम उसमें एन लगाएंगे. जैसे एन ऑनेस्ट मैन. इसका प्रोनंसिएशन है हॉनेस्ट नहीं है, वो ऑनेस्ट है. एन ऑनेस्ट मैन. एच साइलेंट है सो एन ऑनेस्ट मैन, इसलिए यहाँ पे एन लगा बिकॉज ये साउंड है ऑनेस्ट. राइट. एन एप्पल. इफ देर आर अदर वर्ड्स बिटवीन द आर्टिकल्स एंड द नाउन्स लुक फॉर द साउंड बिगिनिंग विद द वर्ड दैट कम्स आफ्टर द आर्टिकल. If it is a consonant, use A. If it is vowel, use N. मतलब कि इसमें ये कह रहे हैं कि articles जो है A और N वो noun के आगे ही लगते हैं. लेकिन अगर वो noun के आगे और कोई word दिए गए हैं तो आपको वो words के sound check करने हैं, ना ही कि noun के. जैसे अगर मैं कहूँ elephant, सिर्फ मैं देखूंगी elephant तो आएगा एन एलिफेंट. अगर मैं सिर्फ एलिफेंट की बात करूंगी तो आएगा एन एलिफेंट. राइट. बट जब हम बात करेंगे अ बिग फैट एलिफेंट तो बिग में साउंड है ब, तो आएगा ए. अ बिग फैट एलिफेंट. राइट. जैसे अगर बिल्डिंग की बात हो रही है तो अगर मैं सिर्फ बिल्डिंग के लिए वर्ड यूज कर रही हूँ सो इट विल बी अ बिल्डिंग. राइट. बट यहाँ पे अगली
एन अगली बिल्डिंग, यू जी एल वाई, यू का साउंड है अ, अगली बिल्डिंग, तो आएगा एन अगली बिल्डिंग. एन ऑरेंज कैप, अगर सिर्फ कैप की बात होगी तो अ कैप, बट अगर हम ऑरेंज की बात कर रहे हैं सो एन ऑरेंज कैप. मतलब कि अगर साउंड नाउन के बीच में और कोई वर्ड भी आ रहे हैं और फिर भी हमें आर्टिकल्स लगाने हैं तो हम उसके बाद वाला ही वर्ड देखेंगे और उसी के साउंड को चेक करेंगे. अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट का है तो हम ए लगाएंगे, और अगर उसका साउंड वावल का है तो हम एन लगाएंगे. राइट, एक्सरसाइज ए, राइट ए एन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. लिली पुट एन एग इन अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वॉटर. एन एग, ई साउंड है ए प, तो एन एग अ पॉट. लिली पुट एन एग इन अ पॉट. जेब्रा का ज व्यंजन, एलिफेंट का ए कॉन्सोनेंट वावल. सो वी सॉ अ जेब्रा इन एन एंड एन एलिफेंट एट द ज़ू. सो नंबर थ्री, माय फादर बेक्ड अ चॉकलेट. च साउंड है च, तो व्यंजन साउंड, अ चॉकलेट केक फॉर अस. नंबर फोर, सनी हेल्ड एन ओल्ड मैन. एन ओल्ड, ओ ओल्ड मैन कैरी हिज बैग. पंकज इज एन ऑनेस्ट बॉय. ये साउंड ह है, वावल नहीं है, एच से स्टार्ट हो रहा है, बट उसका साउंड है ऑनेस्ट. सो पंकज इज एन ऑनेस्ट बॉय. लीमा लिव्स इन एन इग्लू. इग्लू, आई इग्लू. लीमा लिव्स इन एन इग्लू. एन ओल्ड वुमन बेक्ड अ बिग पैनकेक. एन ओल्ड वुमन बेक्ड अ बिग पैनकेक. बिग में बी ब और ओल्ड में ओ. रितु सेड प्लीज गिव मी अ प्लेट एंड अ स्पून. रितु ने कहा मुझे स्पून और एक प्लेट दे दो. सो अ प्लेट का प एंड स्पून का स्प. सो होप दिस इज क्लियर एंड योर टुडेज होमवर्क इज यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज ए इन योर टेक्स्ट बुक. विद दिस आई एंड दिस क्लास. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय फॉर द डे. बाय.